मेरा नाम सौरभ जैन है, मैं मीडिया प्रभारी हूँ आज के क्षमावाणी उत्सव का। और आज का पर्व हमारा ऐसा है कि ये विश्व में ऐसा कोई पर्व नहीं, सब सारे पर्वों में हम लोग शुभकामनाएं बधाई का संदेश देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम क्षमा दान करते हैं और क्षमा ही भाव दूसरे से मांगते हैं कि हमारे किए हुए जो गलतियाँ पिछले विगत वर्षों में जो भी हमसे अपराध बन पड़े हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दिए। जो वर्ष भर हम लोग जो एक बोझ लेकर के अपने सर पे बोझ लेकर के घूमते होते हैं, तो आज के दिन ऐसा होता है कि हम क्षमा भाव मांग करके और क्षमा भाव दे करके उस बोझ को हटा देते हैं। इस बारे में हमारे दिनकर कवि दिनकर जी ने भी बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल लो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनय सरल हो। तो अगर हमारे आत्मा जो क्रोध हमारे क्रोध पर अगर शांति रूपी जल डाला जाए तो हमारे आत्मा रूपी जो में वृक्ष जो है धर्म रूपी वृक्ष है उसमें संयम रूपी पुष्प खिलेगा हम मोक्ष पथ गामी बनेंगे। तो बहुत आज कार्यक्रम हमारा क्षमावाणी पे हम लोगों के एक पालकी यात्रा भगवान श्री महावीर जी की पालकी यात्रा निकली जो रामपुर गार्डन में घूमती हुई पुनः मंदिर जी पे पहुंची और उसके बाद जो है हमारे भगवान की प्रतिमा का अभिषेक और प्रक्षालन किया गया और उसके उपरांत जो है पुरस्कार वितरण हुआ जिसमें मुख्य अतिथि मेयर हमारे बरेली शहर के मेयर श्री उमेश गौतम जी रहे। उसके बाद अब क्षमा भाव जो है इस प्रांगण में सभी लोग एक दूसरे से क्षमा भाव करेंगे और उसके बाद हमारे जो है समाज का सहभोज होगा।